इन आंटियों को तो इस उम्र में बच्चे संभालने चाहिए, पर इनका भूत तो अभी तक नहीं उतर रहा इंडिपेंडेंसी। यार प्लीज तुम लोग चुप हो जाओ। आप लोग ने मेरे बारे में कुछ कहा? आंटी जी, आपको आपके अलावा यहाँ पे और कोई आंटी दिख रही है? ऐसी क्या प्रॉब्लम है अगर मैं इंटरव्यू देती हूँ तो? प्रॉब्लम तुझ में है ना, अपने कपड़े देख, एक नंबर की बहनजी लगती है तू। तुम जैसी आंटियों की वजह से ही ना हम यंग पढ़ी लिखी लड़कियों की सीट चले जाती है। प्लीज तुम लोग चुप हो जाओ, उन्हें बुरा लग रहा होगा। मैम आपको अंदर बुलाया इंटरव्यू के लिए। तुम लोगों को किसी के साथ इतनी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। आप तीनों को अंदर बुलाया है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। आप तीनों का रिज्यूम टेबल पर रखे हैं। राहुल आप रुकिए और बाकी दोनों अपने रिज्यूम लेकर जा सकती हैं। लेकिन मैम हमने तो अभी तक इंटरव्यू दिया ही नहीं। तो मेरा मतलब है आप यहाँ क्या कर रही है? ये मेरी ही कंपनी है और आप लोग का इंटरव्यू यहाँ नहीं बाहर ही हो चुका है। ये सब सिर्फ एक प्लान का पार्ट था, आप लोग को चेक करना था कि आप लोग इस जॉब के कैपेबल हैं कि नहीं, और आप लोगों ने प्रूफ कर दिया कि आप लोग नहीं हैं।